हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आई एम कृष्णा लोहान एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट संस्कृत लैंग्वेज पैडागोजी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन पेपर के बारे में समस्या बनी रहती है कि हम हिंदी में अटैम्प्ट करें या फिर संस्कृत में अटैम्प्ट करें कहाँ हमारे नंबर ना कट जाए कि अगर हमने हिंदी में इसको अटैम्प्ट कर दिया तो तो so, दोस्तों ऐसी कोई समस्या नहीं है मैं आपको बताऊंगी आपको कहाँ हिंदी में लिखना है और कहाँ आपको संस्कृत में लिखना है फिलहाल हम बात करेंगे कि बी संस्कृत में मेन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कौन से आएंगे वो मैंने यहाँ पर डाले हैं आपके लिए पहले हम इनके बारे में बात करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी लेसन प्लान भी आप कैसे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर की श्यामपट व बोर्ड कौशल के घटक और सावधानियाँ लिखनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें घटक बताने हैं आपने श्याम बो श्यामपट की और सावधानियाँ भी बतानी है कि इसका प्रयोग करते हुए हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिंग स्केल क्या है या प्रशिक्षण सूची क्या है तो ये रेटिंग स्केल और प्रशिक्षण सूची आपके जो है मीडियम आंसर क्वेश्चन है यानी कि दो और आठ या जो पांच मीडियम साइज के क्वेश्चन में आता है ये तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों खोजपूर्ण प्रश्न कौशल क्या है इसके घटक बताने हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक प्रश्न निर्माण प्रक्रिया का एक ये भी घटक माना जाता है या एक प्रकार माना जाता है आगे इसके भी डेफिनेशन इसमें दी गई है ये भी याद करिएगा चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया भेद इसके और भेदों में अंतर भी आ सकता है चक्र व सोपान बताइए ये इसी क्वेश्चन के हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पांच या सात मिनट तक पढ़ाया जाता है इसके ऊपर आपने डिटेल देनी है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन क्या है जो कि आपके हर सब्जेक्ट में आया हुआ है इसके महत्व और विधियों का वर्णन करना आपने जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और साथ साथ ये बार बार आ चुका है तो आपको अच्छे से लर्न होगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों प्रश्न पत्र का निर्माण प्रक्रिया और इसके गुण अवगुण या सोपान भी बताने हैं तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है ये हिंदी में भी आता है मोस्टली आपके फर्स्ट पेपर में भी इसका जो चैप्टर वो दिया हुआ था तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है आप इसको कर लीजिएगा हेलो दोस्तों मैं हूँ कृष्णा लोहान और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आपकी स्टडी रिलेटेड न्यू अपडेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आसानी से मिल जाए तो दोस्तों नेक्स्ट करेंगे बात हम व्याकरण शिक्षण की विधियाँ बतानी है किस तरह से हम व्याकरण को पढ़ाते हैं कौन सी विधियाँ यूज करते हैं पाठ योजना बनाई इसमें आप सोपान बताइए जो इसकी स्टेप्स होती हैं वही बतानी है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण के गुण अवगुण व प्रकृति का वर्णन करना है यानी कि पाँच से सात मिनट में हम जो भी सूक्ष्म शिक्षण बच्चों को शॉर्टेज टॉपिक देते हैं उसकी प्रकृति गुण अवगुण यहाँ पे हमें बताने हैं अगला प्रश्न देखिए दोस्तों एक अध्यापक के प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का महत्व या उपयोगिता हमें बतानी है यहाँ पे कि किस तरह से क्या कितना महत्व होता है अगर एक अध्यापक संस्कृत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करता है तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों पाठ योजना क्या होती है इसके प्रकार बताने हैं ये भी आपको डिटेल में देना है ये पाँच से सात नंबर या आठ नंबर तक का आ सकता है अगला देखिए दोस्तों संस्कृत शिक्षण संबंधी आयोग कौन कौन से हैं उनका पाठ्यक्रम में क्या क्या योगदान है किस तरह से उन्होंने संस्कृत को एक पाठ्यक्रम में डाला है और क्या क्या इसके तरीके अपनाए गए हैं किस ईयर में इसको दिया गया वो आपको यहाँ बताना है अब चलते हैं अगले प्रश्न पर गद्य पद्य अलग अलग आ सकते हैं इनका शिक्षण क्या है ये इसकी डेफिनेशन इसकी विधियाँ सोपान पूछे जा सकते हैं या इनकी महत्व या उपयोगिता भी पूछी जा सकती हैं कोई भी पाँच या सात नंबर या आठ नंबर में जैसे भी संस्कृत का एग्जाम होता है उसमें ये पक्का ही आएंगे तो आप इनके लिए अच्छे से तैयार रहिए तो यहाँ पे दोस्तों सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं अब बारी आती है लेसन प्लान हम कैसे बनाएंगे गद्य या पद्य को प्रयोग करके हम उसमें संस्कृत या हिंदी का कितना क्या मेटर मैटर लिखना होता है उस हिसाब से हम जो ये पैंतीस मिनट के अवधि के दौरान जो लेसन प्लान बनाना होता है उसको कैसे तैयार करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लेसन प्लान क्रिएट किए जाते हैं आ, हिंदी और संस्कृत को दोनों को प्रयोग कर